न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे सोने चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सागर जिले की रेहली विधानसभा में अटल सेतु पुल का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें लगातार लापरवाही बढ़ती जा रही है। ऐसा ही एक मामला तब सामने आया जब एक मजदूर हादसे का शिकार हो गया, जहां उसकी जान आफत में आ गई। जानकारी के मुताबिक मजदूर लोहे बांधने का कार्य कर रहा था, तभी उसके ऊपर लोहे के सरिया गिरे। सरिया गिरने की आवाज इतनी भीषण और भयानक थी कि आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। लेबर है जो वर्कर आ गए, उनका काम चल रहा था लोहा बांधने का, और इसी के साथ एक दुर्घटना हुई, जो लोहा किसी वजह से वो फिसल गया। तो नीचे एक लेबर आ गया। तो लगभग कितने मिनट तक दबा रहा है उसमें? करीबन 10 मिनट। इसके वो जो रायगिरी थे, जो चलने वाले रास्ते थे, सभी की मदद से उसको बाहर निकाला गया। अब फिलहाल तो अभी हॉस्पिटल ले गए हैं, वो डॉक्टर लोग देख के बताएंगे क्या। लोगों की मदद से मजदूर को बाहर निकाला जा सका। मजदूर लगभग 10 से 15 मिनट तक सरियों में दबा रहा। एक अन्य मजदूर को भी मामूली चोट आई है। मजदूर को इलाज के लिए डॉक्टरों के पास ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। रेहली के डॉक्टर ओपी नेमा कहते हैं कि दो मजदूर इलाज कराने आए थे, जिसमें से एक मजदूर की रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई हैं, जिसका इलाज किया जा रहा है। की संभावना है, उसके लिए मैंने एक एक्सरे एडवाइज किया है, तो कल उसका एक एक्सरे यहाँ हो जाएगा। उसके बाद में कोई अपन एक्सरे देख के डिसीजन लेंगे कि उसको और आगे का ट्रीटमेंट क्या देना है। दूसरा मजदूर है, उसको छोटे छोटे दो घाव हैं पैर में और एक सिर में मामूली खरोंच है। दोनों की स्थिति ठीक है, कोई उनमें गंभीर वैसी कोई वो नहीं है। ट्रीटमेंट उनका जो है वो मैंने यहाँ कर दिया है, और आगे यदि कोई जरूरत पड़ेगी तो उनको अपन आगे की इलाज के लिए एडवाइस करेंगे। बहरहाल पुलों के काम अगर ऐसे ही चलते रहे तो अभी मजदूर घायल हुए हैं, आने वाले वक्त में एक बड़े हादसा का यह इशारा जरूर मानकर चल सकते हैं आंसू में। सागर एक्सप्रेस न्यूज रैली। We'll be right back.